नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपने अगर अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराने के लिए जो पेमेंट की है उस पेमेंट का आगे का जो प्रोसेस होता है वो किस तरीके से करते हैं, तो वो हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आपको वापस से गूगल पर जाना है और यहाँ पर आपको फिर से आधार विद पैन लिंक पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट यहां पर ओपन हो जाएगी। आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको वापस से होम बटन पर क्लिक करना है। होम बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहां पर तीसरा ऑप्शन आपको दिखाई देगा, लिंक आधार का। इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इस वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको नीचे की तरफ पैन कार्ड और आधार कार्ड ये दोनों नंबर आपको दोबारा से फिल करने होंगे। तो हम फटाफट इसे फिल कर लेते हैं। दोनों ही नंबर फिल करने के बाद अब आपको यहाँ पर वैलिडेट ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप वैलिडेट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर आपका चालान रिप्रेजेंट हो जाएगा, यानी जो आपने पेमेंट की थी 1000 रुपीज़ की वो आपके सामने यहाँ पर दिखाई देगी, जिसमें आपका चालान अमाउंट, चालान सीरियल नंबर, BSR कोड और डेट ऑफ पेमेंट, ये चारों चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। यहाँ पर आपको सीधे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे आपका नाम मांगेगा जो कि आपके आधार कार्ड पर है, तो आपको यहाँ पर वही नाम डालना है जो कि आपके आधार कार्ड पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर आपको वही मोबाइल नंबर डालना है जो आधार कार्ड से लिंक है। यहाँ पर आपके सामने दो नोटिफिकेशन आएंगी, इन दोनों नोटिफिकेशन पर आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने लिंक आधार का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन पर फिर से एक OTP भेजा जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर फिल करना है और बेसिकली उस OTP का जो टाइम होता है वो 15 मिनट का होता है। 15 मिनट के बाद वो बेसिकली एक्सपायर हो जाता है। और OTP डालने के बाद आपको यहाँ पर वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक नोटिफिकेशन आ जाएगी। आप यहाँ पर देखेंगे आपकी रिक्वेस्ट यहाँ पर सक्सेसफुली सेंड की जा चुकी है UIDAI को, यानी आधार कार्ड का जो डिपार्टमेंट है उसको आपका जो रिक्वेस्ट है आधार कार्ड और पैन कार्ड का लिंक करने का, वो रिक्वेस्ट यहाँ पर सक्सेसफुली भेज दी गई है। आपको कुछ दिनों के बाद यानी 3 से 4 दिनों के बाद वापस से इसी वेबसाइट के होम पेज पर आना है और वापस से लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करके आपको ये चेक कर लेना है कि आपका आधार कार्ड आपके पैन कार्ड से लिंक हो गया या नहीं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कर सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।